इंजेक्शन सर, अमन तो इंजेक्शन से बहुत डरता था। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो खुद को इंजेक्शन लगा ले। अपने आप नहीं लगवाया होगा तो किसी डॉक्टर से लगवाया होगा। नहीं नहीं सर, अमन तो इंजेक्शन के नाम से कोसों दूर भागता था और उसकी हेल्थ बिल्कुल ठीक थी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो कम से कम मुझे बताता। किसी और से नहीं लगवाया, खुद नहीं लगाया, तो फिर वो केमिकल उसके खून में पहुंचा कैसे? अच्छा बता सकती है, घर से निकलने से पहले अमन किस किस से मिला? मयंक और नेहा आई थी उससे मिलने, और हाँ मैम, एक आदमी आया था अचानक से, जसवंत। जसवंत? ये जसवंत कौन है? जी जसवंत CRM कंपनी का CEO है और अमन ने उसकी कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए थे। हाँ सर। पूरी जिसने आप पर नजर रखी है ना तुमने? हाँ सर, वो अभी यहाँ से निकली है। कड़ी नजर रखना पूर्वी, बिल्कुल कड़ी नजर। अपनी नजरों से ओझल मत होने देना उसे। ये नेहा ही हमें उस खूनी तक पहुंचाएगी। सर क्या हुआ, इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? क्या है ये सब क्या है? तुमने तो कहा था कि किसी को कुछ पता नहीं चलेगा, फिर हमारे बारे में ये लड़की सब कुछ कैसे जानती है? डोंट वरी बेबी, मैं सब संभाल लूंगा। मैं हूं ना, जैसे उस अमन को ठिकाना लगाया वैसे इस लड़की को भी ठिकाना लगा दूंगा। तुम टेंशन मत लो, ओके? पहले हमसे तो निपट लो। You are under arrest, Mr. Ashwin. तुमने अपने बॉस का खून क्यों किया? हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते। जब मुझे पता चला कि अमन सर CRM फार्मास्यूटिकल की जांच कर रहे हैं, तो ये बात मैंने अश्विन को बता दी ताकि वो लोग अपनी गलतफहमियां दूर कर सके। लेकिन इसने तो अमन को ही दूर कर दिया, क्यों अश्विन? मैं जानता था कि अमन को कुछ समझाने का कोई फायदा नहीं होगा, वो तो हमें जेल भिजवा के ही रहता। तुमने मेरे भाई को मारा, अमन का खून किया और ना जाने कितने मासूमों की जान ली होगी तुमने अपनी इन नकली दवाइयों से।
बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा था, नुकसान पे नुकसान हो रहा था। डैड नहीं मानते, इसलिए इस लोगों को बिना बताए मैंने केमिकल्स को नॉर्थ इंडिया के प्लांट में बेचना शुरू कर दिया। उससे हम नशा बनाते थे, थोड़ा प्रॉफिट हो ही रहा था कि अमन ने सारा खेल बिगाड़ दिया। सिर्फ फायदे के लिए दवाइयों की जगह पे तुम ये जहर बनाने लगे थे? मुझे कंपनी की हालत पता थी, मैंने अमन सर को अश्विन से मिलाया था ताकि वो कंपनी में इन्वेस्ट करके उसे टूटने से बचा सके। और अमन खुद को तुम लोगों से बचा नहीं पाया। ये सब कुछ मैंने अपने प्यार के लिए किया, मेरे अलावा कोई ये कर नहीं सकता था क्योंकि वो अपने निकोटीन पैच मुझे से मंगाते थे। सर वो मेरा प्लान नहीं था, वो मेरे पास ऑप्शन भी नहीं था, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। मैंने एग्जैक्टली क्या हुआ ये बताओ। वो कल रात को पार्टी अटेंड करके जब मैं अपने गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी तभी मेरी आँख खुली ना तो मैं एक रूम में थी, अंधेरा अंधेरा था वहां पे बहुत। मैं क्या करती, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। उसने मुझसे अपने ही बैंक में चोरी करने के लिए कहा और फिर कहा कि वो पैसे लेकर मैं किसी सुनसान जगह पे पहुंचूं। और जो ईयरफोन उसने मुझे दिया था ना, उससे वो मुझे रास्ता बताता रहा। और जब मैं वहाँ पहुँची उसका मुझे फोन आया, कॉफ़ी पीते ही मैं बेहोश हो गई। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं, कुछ नहीं पता मुझे क्या हुआ। और जब आग खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। उसने तुम्हें बेहोश करके तुम्हारी जैकेट निकाली और पैसे लेके भाग गया। इसका मतलब है जिस क्रिमिनल को हम लोग ढूंढ रहे हैं उसे किसी ने नहीं देखा भी। तुम्हें किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? नहीं मुझे नहीं पता। हाँ सड़ूंगे साहब। अभिजीत बॉम्ब का पता चल गया। बॉम्ब के बारे में कुछ पता चला क्या? अभिजीत मालिनी के कपड़ों की टेस्टिंग की है मैंने, उसने उन कपड़ों पर बॉम्ब जैकेट पहना हुआ था। मुझे उसके कपड़ों पर टीएनटी के ट्रेसेस मिले हैं। टीएनटी? ये तो बहुत मुश्किल से मिलता है, अब बिना लाइसेंस के कोई से भेज भी नहीं सकता। एग्जैक्टली ये टीएनटी उन्हें मिला कहाँ से होगा? अभिजीत ये टीएनटी दरअसल मिलिट्री ऑपरेशंस में और माइनिंग साइट्स में ज्यादातर इस्तेमाल होता है, लेकिन उसके लिए स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होती है और उन लोगों का इसका पूरा का पूरा रिकॉर्ड भी रखना पड़ता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। किसी माइनिंग साइट से चुराया होगा टीएनटी। सर आपने जो रिकॉर्ड्स मंगवाए थे वो सारे मैंने चेक किए, आपका शक सही निकला। वाकई हिसाब में गड़बड़ी हुई है सर। 3 हफ्ते पहले फैक्ट्री से 50 किलो टीएनटी यहाँ आना था, लेकिन डिलीवरी सिर्फ 40 किलो की ही हुई है। बाकी का 10 किलो कहाँ गया पता नहीं। कमाल है, 3 हफ्ते हो गए इस बात को और तुम्हें अब तक कुछ पता नहीं चला है। टीएनटी है, टीएनटी, कोई रोटी बनाने का आटा नहीं। ये 10 किलो गायब हो गया और कुछ पता नहीं चला। और इस लापरवाही के लिए तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है। सर आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं, मैं खुद इंटरनल पूछताछ करके पता लगाऊंगा कि गड़बड़ी कहाँ हुई। तब तक पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तुम्हारी एक गलती की वजह से बैंक लूट गया, एक लड़की की जान खतरे में पड़ गई। तुमको जो कुछ करना है करते रहना, पहले उन लोगों को बुला जो टीएनटी का ट्रक लेके यहाँ आए थे। प्रवीर जाओ अमर और शेखर को बुला के ले जाओ। यस सर, अभी बुलाता हूँ। थोड़ा उधर से, उधर से। अमर, शेखर, साहब ने बुलाया है आपको। सर ये है शेखर और ये है अमर,
ये दोनों ही उस दिन कंसाइनमेंट लेकर आए थे। 50 किलो TNT निकला वहां से और यहाँ पहुंचा 40 किलो। बाकी 10 किलो कहाँ गया? सीधे सीधे बताओ, वरना तुम दोनों के सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। सर, हमको तो पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा भी कुछ हुआ है। हम तो फैक्ट्री से टेम्पो लेके सीधा यहाँ आ गए। शायद वहीं से लोडिंग करते हुए कोई गलती हुई हो या किसी ने चुरा लिया हो। सर, गोडाउन में काफी टाइट सिक्योरिटी रहती है, चोरी करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सर, हम लोग सच कह रहे हैं, हम लोग ने कुछ नहीं किया। बको मत। किसको बेचा TNT तुम लोगों ने? उस TNT से बॉम्ब्स बने हैं, इसका मतलब समझते हो? सर, हम सच कह रहे हैं, हम लोग यहाँ 10 साल से काम कर रहे हैं, आज तक हम लोगों से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। हम काम से चोर सोच भी नहीं सकते साहब। अच्छा, जब फैक्ट्री से तुम लोग यहाँ पे आ रहे थे वो TNT लेके, तब रास्ते में कहीं रुके थे तुम लोग? कुछ हुआ था वहाँ पे? जरा ठीक से याद करके बताओ। हाँ सर, RG कॉलोनी पे हमें पुलिस वालों ने रोका था, वहाँ नाकाबंदी भी थी। रोको रोको रोको, साइड में लो गाड़ी, बाहर निकाल। क्या है गाड़ी में? माल है साहब। ये लो साहब, चक्कर हो गया है। तो इधर खड़ा रहे। साहब, सब बराबर है, हम लोग निकले। बहुत जल्दी है तुझे भागने की, हैं? बहुत जल्दी है? नहीं साहब, कोई जल्दी नहीं है। दारू पिया है? नहीं साहब, हमने कहा। चुप, मुझे सिखाएगा? चल, चेक करना पड़ेगा। तो खोल मुंह। सब ठीक है सर। साहब, मैंने कहा था ना, हम लोग कुछ भी नहीं पीते, फिर भी आप मुझे मेरा काम मत सिखा। कौन को निश्चित दिया? निकाल जल्दी। चल 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 चल, जल्दी निकाल। उसके बाद हम कहीं नहीं रुके, सीधे यहाँ आ गए। उन पुलिस वालों का चेहरा याद है? बैच पे नाम देखा था? नहीं मैडम, चेहरा तो याद नहीं है, पर इस बात को 3 हफ्ते हो गए। कोई बात नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन से पता चल जाएगा उसे नाकाबंदी की ड्यूटी पे कौन ऑफिसर था। पुलिस वाले जरूर मिले होंगे इस प्लान में। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।